सुने, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हम समझ रहे थे शब्द को, शब्द के अंदर में हमने भेद बताया था कि शब्द के कितने भेद होते हैं, कि उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझे, तो इसका जो चौथा भेद होता है ना, वो होता है अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद। कल हमने जिन आठ के बारे में जाना था, इसके अंतर्गत लगभग सारी हिंदी व्याकरण समाहित हो जाती है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो अभी जिस वीडियो में हम जानेंगे कि शब्द में अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद। देखिए, जो भी शब्द बोले जाते हैं ना, उन शब्दों में दो प्रमुख चीजें होती है। पहली चीज होती है कि वो शब्दों का वास्तविकता में कोई अर्थ होता है, या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ ना होता। तो हम दोनों को अपने हिसाब से, अब अगर हम सोचें कि जिनका अर्थ ही ना हो, हम उनको प्रयोग क्यों कर रहे हैं, हम उन्हें क्यों प्रयुक्त कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ऐसी होती है कि अर्थों का प्रयोग शब्दों के साथ में समय अनुकूल होता है ना, जैसे कैसे होता है, जैसे सार्थक शब्द अर्थ के दृष्टि से शब्द की भेद करूँ तो दो होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द, दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ हो या जिन शब्दों से अर्थ प्रकट होते हैं वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक शब्द होते हैं। कैसे? परिभाषा में जाऊं तो जिन शब्दों का कोई अर्थ हो वो सार्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो वो निरर्थक। अब जैसे रोटी एक शब्द है, हम खाते हैं ना, इसके बिना जीवन यापन संभव नहीं। पानी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी नेसेसरी आम। तीसरा होता है ममता, और ममता दोनों चीजों का नाम होता है, और जो मां से हमें प्राप्त होता है, जिसको से हमें प्राप्त होता है, मां की ममता जिसको बोलते हैं, वो वाला डंडा है। तो ये वो शब्द है जो सार्थक होते हैं, लेकिन ये जो शब्द होते हैं निरर्थक, ये लगभग इनके साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन इनका अर्थ कुछ नहीं होता। जैसे निरर्थक की परिभाषा पे जाओ तो जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक। जैसे रोटी रोटी आए थे तो रोटी रोटी खाते जाना, पंजाबी में भी बोला जाता है रोटी छोटी, है ना। तो ये रोटी का मतलब नहीं होता है, अगर मैं रोटी शब्द को हटा दूं तो रोटी का कोई अर्थ ही नहीं। लेकिन दरअसल ये क्या हो गया, एक प्रकार के शब्द युग्म के होते साथ साथ चलते हैं। पानी वाली आए तो पानी वाली पी के जाओ, पानी वाली तो लेके आओ, ये हम बोलते हैं। तो ये पानी का अर्थ हमें पता है, लेकिन वाली का क्या होता है, कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन ये साथ चलने वाले निरर्थक शब्द है, लेकिन युग्म है, साथ साथ चलते। डंडा बंडा, जरा अंदर से डंडा बंडा निकाल के लाना, तो डंडा बंडा निकाल देना, तो डंडा शब्द को हटा दो तो बंडा शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। यानी कि जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। तो ये जो थे चार, हमने समझे शब्दों के अर्थ और अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद। तो ये था हमारा पूरा एक